चलो, तो हम लोगों ने जब परमानेंट टिश्यू के सेल को डिफाइन किया तो हम लोगों ने बोला परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जब अपनी डिवीजन की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जब वो कहते हैं अब हम लोग और डिवाइड नहीं नहीं हो हो पाएंगे, पाएंगे। और अब वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उनके पास हो जाता है और अब उनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट इशू। ठीक है ना। सो व्हेन द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज, इशूज ठीक है ना, और दे अक्वायर अ परमानेंट शेप, जिसकी रस को बेचैनी हो रही है बिना पर्दे के, है ना, परमानेंट शेप साइज परमानेंट एंड फंक्शन, ठीक है। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल क्या करेंगे, डिवीजन की एबिलिटी लूज कर देंगे और वो एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन फंक्शन। अक्वायर कर लेंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अब परमानेंट टिश्यू बन गए, जैसे जब डिवाइड हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सेल एक परमानेंट शेप, एक परमानेंट साइज और एक परमानेंट फंक्शन अक्वायर करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द फिनोमेना बाय विच अ सेल अक्वायर्स अ परमानेंट शेप, परमानेंट साइज एंड फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन, इज नोन एज डिफरेंशिएशन। जरा छाप लो इतना, ये थोड़ा ऊपर था। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। किसकी बात करेंगे, सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, रीजन तुमको इजीली क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट हाँ वही भावनाओं को समझो, शब्दों पे गुजारा, ठीक बस। है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, पेरेंकाइमा, फिर देखेंगे हम लोग कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोरेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, हाँ और तीसरा देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा, कैलेनकाइमा। ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कहानी, सबसे पहला नाम पेरेनकाइमा, उसके बाद कोलेनकाइमा, और उसके बाद स्क्लेरेन काइमा, ठीक है ना। अब जब हम लोग इनके फंक्शंस देखना स्टार्ट करेंगे, सॉरी, इनके पहले हम लोग क्या देखेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मामा, कोलेन काइमा आखिरी और तीसरा स्क्लेरेन काइमा, वाला क्या है? स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा जो सेल्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो अपने आप में क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। क्या होते हैं ये, लिविंग। लिविंग, दे आर लिविंग। क्लोरेन काइमा भी अपने आप में क्या होते हैं, लिविंग, लेकिन स्क्लेरेन काइमा क्या होते हैं, डेड। डेड। अब ये टेबल किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको वन मार्कर से भी पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ये लिविंग है, कौन सा ये डेड है, या फिर तुमसे पूछते हैं तीनों में चार चार डिफरेंसेस लिख दो, तो दोनों पर्पस तुम्हारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो सॉल्व। जाएंगे, ठीक है ना। पेरेनकाइमा की बात करें तो सेल्स का जो शेप होता है, ठीक है, जो सेल का क्या होता है, शेप होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, इसके जो सेल्स हैं वो पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, इसके जो सेल्स हैं वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन जो कोलेनकाइमा होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये जनरली सर्कुलर होते हैं, गोल शेप के होते हैं।
और स्क्लेरल डायमा के जो सेल्स रहते हैं वो इलॉन्गेटेड होते हैं, लंबे सेल्स रहते हैं। इलॉन्गेटेड मतलब किस तरीके से? इस तरीके से। हाँ रॉड शेप का। ठीक है, अगर हम लोग इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस की बात करें, इंटर सेल्यूलर स्पेसेस, तो इसमें क्या होता है, ये लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड मतलब स्पेसेस जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है, स्पेसेस प्रेजेंट। ठीक है ना, ये जो रहते हैं अगर हम लोग किसकी बात करें, पोलेनकाइमा के, तो ये नॉर्मली तो इनके बीच में स्पेसेस होते हैं, पर ये कॉर्नर्स में क्या होते हैं, थिक होते हैं। दीज आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। और यही बात अगर हम लोग स्क्लेरेनकाइमा की करें तो दे आर टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। ठीक है, तो इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर है? जब हम लोग यही कहानी, जब हम लोग यही कहानी किसके लिए पढ़ेंगे, सेल वॉल के लिए। तो जैसे अगर हम लोग बोले किसकी, पेरेंकाइमा की, तो पेरेंकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, थिन। ठीक है ना, स्क्लेरेनकाइमा की थिक होती है, लेकिन सॉरी पोलेनकाइमा की क्या की बनी होती है, सेल्युलोज की और कॉर्नर कॉर्नर पे थिन होती है। और स्क्लेरेनकाइमा की लिग्निन की बनी होती है, लिग्निन भी एक क्या होता है, मटेरियल होता है। क्या, तो अगर हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालें सेल वॉल, तो यहाँ पर तो कैसी होगी, थिन। ठीक है ना, यहाँ पर थिक एट कॉर्नर्स और यहाँ पर थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड मतलब लिग्निन की बनी हुई, लिग्निफाइड, लिग्निफाइड मतलब मेड अप ऑफ लिग्निन वॉल्स। ठीक है ना, ठीक है, लिग्निफाइड वॉल मतलब लिग्निन, जैसे सेलुलोज एक शुगर होता है, वैसे लिग्निन भी एक मटेरियल होता है, एक चीज होती है, एक नेचुरल शुगर होता है, नेचुरल शुगर होती है जिससे इसकी वॉल बनती है। क्लियर? और लास्ट चीज हम लोग देखेंगे इसमें क्या, कि ये जो टिश्यूज हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, वेयर आर दीज टिश्यूज। ठीक है, जब हम लोग पेरेंकाइमा की बात करते हैं, जब हम लोग पेरेंकाइमा की बात करते हैं तो पेरेंकाइमा कहाँ मिलेगा, सबसे पहले लीव्स में। क्यों लीव्स में बेटा? पेरेंकाइमा का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, खाना स्टोर करना होता है, खाना बनता ही कहाँ है, लीव्स में। हालांकि ये स्टेम वगैरह मिलता है, पर प्राइमरीली ये लीव्स एंड अदर पार्ट्स में मिलता है। अगर हम लोग पोलेनकाइमा की बात करें तो ये स्टेम में भी मिलता है और ब्रांचेस में भी मिलता है। क्यों? बिकॉज़ ये जो बेसिकली प्लांट रहता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इजीली ऐसे क्या हो जाए, बेंट हो जाए, तो उसका स्टेम में प्रेजेंट रहना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे ही अगर हम लोग देखें किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की, तो ये सीड बोर्ड में प्रेजेंट रहेगा, पत्तियों की वेन्स में, लीफ वेन्स, पत्ती की वेन समझते हो, ये मेरी पत्ती है, इसमें जो बीच की नली रहती है ना, ये इसकी वेन होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। के अंदर बैठना तो उसकी बाहर की रहती है। हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट मतलब जो कोकोनट का छिलका होता है उसमें भी कौन प्रेजेंट रहता है, हमारा प्रेजेंट हाँ हमें क्वेश्चन आया था, मैं रहता है। एक मार्क का। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी कहानी, हो गई तीनों कहानी टिश्यूज की, लेकिन पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, हमको इसके फंक्शंस भी पढ़ने हैं। देखने हैं। तो पहले इतना कॉपी कर लो, शांति से आराम से समझ लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने तीनों पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में डिफरेंस देखे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके फंक्शंस देखेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ पेरेंकाइमा।
है ना, हम लोग जब पेरेंकाइमा के फंक्शंस की बात करते हैं, हम लोग जब किसकी बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ पेरेंकाइमा की बात करते हैं, तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा होता है बेटा? सबसे पहला फंक्शन होता है इट स्टोर्स फूड। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? इट स्टोर्स फूड। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पेरेंकाइमा इज टू स्टोर फूड। आई बात समझ में? सेकेंड फंक्शन जो इसका होता है वो होता है इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू प्लांट। इतने प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। थर्ड फंक्शन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंकाइमा। नॉर्मल पेरेंकाइमा तो नॉर्मल पेरेंकाइमा होते हैं, लेकिन हमारे पास दो स्पेशल टाइप ऑफ पेरेंकाइमा होते हैं, जिसमें से एक होता है क्लोरेनकाइमा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने जो ऊपर पढ़ा है वो है कोलेनकाइमा, ये है क्लोरेनकाइमा। ठीक है ना। तो क्लोरेनकाइमा जो है क्लोरोफिल से भरा हुआ होता है। हमने नॉर्मल फंक्शन पेरेंकाइमा का पढ़ा कि ये तो खाना स्टोर करता है, ये तो खाना स्टोर करता है, लेकिन 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 जब 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 इसके पास क्लोरोफिल आ जाएगा तो ये पेरेंकाइमा से क्या बन जाएगा? क्लोरेनकाइमा। और अब ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा, यानी कि ये खाना बनाएगा, मतलब स्टोर तो करेगा बट ये बनाएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं व्हेन द सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा टिश्यू, व्हेन द सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, व्हेन द सेल्स ऑफ पेरेंकाइमा टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल। जब पेरेंकाइमा टिश्यू के सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और जब ये फोटोसिंथेसिस के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह के पेरेंकाइमा को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा। हम लोग लिखेंगे सच अ पेरेंकाइमा इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। ओके, लिख ले यार, एक कुछ आप करें। ये 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ हाँ बेटा, छापना बाद में, पहले समझ ले। एरेंकाइमा में क्या होता है बेटा? एरेंकाइमा सबसे पहली बात कहाँ प्रेजेंट रहता है? एक्वेटिक प्लांट्स में। कहाँ रहता है? इन एक्वेटिक प्लांट्स, यानी कि पानी में रहने वाले प्लांट्स में। एरेंकाइमा कहाँ रहता है? इन एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है ना। एक्वेटिक प्लांट्स के पेरेंकाइमा के अंदर जब एयर कैविटीज आ जाती है, एक्वेटिक प्लांट्स के पेरेंकाइमा के अंदर जब एयर कैविटीज आ जाती है, तो वो उनको फ्लोट करने में हेल्प करती है। ये एयर कैविटीज की हेल्प से क्या होता है, वो अच्छे से फ्लोट कर पाते हैं। और जब वो अच्छे से फ्लोट कर पाते हैं, तो इस तरीके के पेरेंकाइमा को हम लोग क्या कहते हैं? एरेंकाइमा। तो पहली बात, ये कहाँ मिलेगा? ओनली इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो क्या बोलते हैं? व्हेन द पेरेंकाइमा cells have air cavities, they help the aquatic plants to float। वो aquatic plant को float करने में क्या करते हैं? Help करते हैं।
इस तरीके का पेरेंट डायमा। अच्छा फ्लोट के लिए तुम लोग किताबों में एक वर्ड देखोगे बायोएंसी, बायो बायोएंसी, बायोएंस इज अ फोर्स अपवर्ड, जिसको तुम लोग अपवर्ड थ्रस्ट बोलते हो, जिसकी वजह से चीजें नीचे से ऊपर फ्लोट करती है। तो तो तुम लोगों ने बचपन में क्या होगा सबने करा होगा, व्हेन यू बाथ विद अ बकेट एंड अ टम्बलर, तो वो जब तुम लोग उसको टम्बलर को मग्गे को डालते हो अंदर, डर उल्टा कर दिया फट करके ऊपर आता है, तो जब तुम उसको अंदर डालते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अपने आप थोड़ी आया मैं तैर के, नहीं उसके ऊपर क्या लगता है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, तो ये जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स होता है जिसकी वजह से वो टम्बलर वो मग्गा क्या करता है फ्लोट करता है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बायोवेंट फोर्स या फिर अपवर्ड फोर्स। तो जब एग्जाम में तुमको क्वेश्चन आएगा कि कौन सा टिश्यू होता है, तो बहुत बार वर्ड फ्लोट्स का यूज करके तुम्हारे मजे लेंगे, बोलेंगे बायोएंसी प्रोवाइड करता है, बायोएंसी मतलब क्या एबिलिटी टू फ्लोट, बायोएंट फोर्स प्रोवाइड करता है तो मतलब फ्लोट करने में हेल्प करेगा, तो आंसर तो यही है भैया क्या पेरेंकाइमा का एरेंकाइमा। ठीक है सर, इन एक्वेटिक प्लांट्स इट इज फाउंड व्हेन द पेरेंकाइमा सेल्स हैव एयर कैविटीज दे हेल्प द एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट, दैट इज उसको क्या प्रोवाइड करते हैं बायोएंट फोर्स प्रोवाइड करते हैं। Such a parenchyma is known as erenchyma. हम ये एरेंकामा